नमस्कार, डीडी यूपी के चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। जैव विविधता दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें हर जीव जीता है, पारिस्थितिकी से अनुकूलन करता है, प्रकृति से प्रदत्त उपहारों का आनंद लेता है, लेकिन प्रायः वह प्रकृति के उपहार, व्यवहार और संतुलन के प्रति अनजान रहता है। जैव विविधता के इसी स्वरूप को समझने और जानने के लिए आज के इस दिन को जैव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौर मंडल में ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध रूप के एक रास्ता प्राप्त करते हुए हमारे जीवन को सरल, सहज और सुखद व मधुर बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पादप पौधों वनस्पतियों के साथ साथ जीव प्रजातियों की भूमिका निर्धारित है, साथ ही वे एक दूसरे पर निर्भर भी है। जैव विविधता और एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता में क्षरण चिंता का विषय है। आत्मनिर्भरता के विज्ञान और प्रकृति के विभिन्न अवयवों के बारे में लोगों की जागरूकता आवश्यक है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर एम के अग्रवाल, डॉक्टर समीर शर्मा और पर्यावरणविद डॉक्टर भरत राम सिंह। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भरत जी, हम सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये एक ऐसा अछूता विषय है कि जो क्रमशः लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में नहीं आता है। हमारी पारिस्थितिकी क्या है, हमारा वातावरण क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, जो जीव है वो चाहे पादप है चाहे जीव है, उनकी आपस में परस्पर निर्भरता क्या है, ये सारा एक ऐसा विषय है जिससे कि सामान्य तौर पर लोग जो है अनजान रहते हैं। क्या कुछ है, कुछ बताएं इसके बारे में। ये पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा आज इस विश्व जैव विविधता दिवस पर जी कि दुनिया में जो प्रजातियां हैं वो 30 लाख से 10 करोड़ हैं जी, जिनके अभी तक की जानकारी जो है वो 14.5 करोड़ के आसपास पहचानी गई है जी। उन प्रजातियों में मुख्यतः प्रजातियां कीटों की जो है वो 7.5 लाख है, 2.5 लाख पौधों की है, विभिन्न तरह के पौधों की, और जंतुओं की जो आपके पशु पक्षी इस टाइप के हैं वो करीब 3 लाख के करीब है, 2.81 और 68,000 कवकों की और शैवालों की है 26,000 और 4,800 जीवाणुओं की है छोटी। इस तरीके से और तमाम कीट पतंगे बहुत सी चीजें हैं। ये प्रकृति में जो जीव उत्पन्न हुए हैं इन्हीं ने किसी चीज को बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, और इसी को जब इसका कोई प्रभाव विश्व में कहीं भी कोई चीज बदलती है तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज का क्षरण होना शुरू हो जाता है। अगर क्षरण होगा तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बदलने लगेगा। अब आज की परिस्थिति अगर हम देखें तो आज तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। नहीं, उसका इंपैक्ट क्या आता है इस पर हम चर्चा और करेंगे। इन चीजों को हमें सजोना है, पहली चीज तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसको हमें डॉक्टर हम आते हैं, डॉक्टर समीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर, थोड़ा सा इस बात को जो है और विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी सारी प्रजातियां हैं, इतने पादप हैं, इतने शैवाल हैं, थोड़ा सा समझने की बात यह है कि ये है क्या, ये किस तरह से हमको नियंत्रित करते हैं, हमारे लिए जीवन को सुलभ करते हैं, क्या निर्भरता है हमारी पर्यावरण में एक दूसरे पर। देखिए, इस बारे में मैं ये एक थोड़ा दृष्टिकोण थोड़ा बदलना चाहूंगा जी जी। इस तरह से कि हमारे पृथ्वी का विकास हुआ जिसका कि बहुत पुराना इतिहास है, तो हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास के बारे में, पृथ्वी के इतिहास के बारे में सोचना पड़ेगा। जैविक विकास पृथ्वी ग्रह के विकास के काफी बाद में हुआ जी। जाहिर सी बात है, जब परिस्थितियां थोड़ी जीवन के लिए सुलभ हुई तब जाकर के विकास हुआ जीवन। अब ये जब विकास हुआ तो उसके बाद से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी अच्छी तरह कि तमाम तरह के जीव बन गए, इसमें पादप भी थे और वन्य जीव भी थे, माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवी थे वो भी थे। ये सब पृथ्वी की परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालते चले गए। अब सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को इस समय समझनी चाहिए कि हमारे अंदर एक अनुवांशिक विविधता निहित है जी, बिल्कुल जेनेटिक, और हम लोगों को ये लगातार बदलती रहती है, स्वतः बदलती रहती है। इसमें जब इस ग्रह पर परिस्थितियां बदलती हैं
तो जो जीव उसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं जी उनका एक तरह से चयन कर लिया जाता है या सिलेक्शन कर लिया जाता है, जिसको हम एक प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन के रूप में जानते हैं। अब आपको मालूम होगा कि यहां पर कई एक्सटिंक्शन हुए, कई बार ऐसा हुआ कि प्रजातियां काफी हद तक पूरी तरह मिट गईं, लेकिन हमेशा कुछ जीव जीवित रह गए। तो जीवन की उत्पत्ति जीरो से नहीं हुई बार बार, वही जीव जो उस समय उन परिस्थितियों विषम परिस्थितियों में अपने आप को निकाल पाए वो आगे जाकर के कामयाब हुए और आगे जाकर के फिर जीवन फैलता चला गया। इसलिए विविधता का रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये विविधता ही हमारे सारी प्रजातियों के को आगे ले जाती जी सृष्टि को आगे ले जाने के लिए यही विविधता ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी कारण वो कारण प्राकृतिक होते हैं, उन कारणों की वजह से कुछ जीव समाप्त होते हैं, कुछ सरवाइव करते हैं, उनको कठिन दौर से आगे निकल करके जाते हैं जी। लेकिन उसके अलावा एक डॉक्टर एम के अग्रवाल, एक अलग कारण होता है कि जब हम वो कारण मानव स्वयं उत्पन्न करता है, और वो कारण जो है पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है, हमारी ओजोन की परत, पृथ्वी सम्मेलन हुआ इस बात को लेकर के, जैव विविधता जो है उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन प्रकृति के कारण अपने आप विविधता परिवर्तन होते रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके उस विविधता को समाप्त किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम क्या सामने आते हैं? देखिए, जिस प्रकार का आर्थिक विकास हम लोग पिछले शताब्दी से कर रहे हैं, विश्वव्यापी हो रहा है जी। आज हर कोई गौरवान्वित महसूस करता है कि हम विश्व को विविधताओं का न मानते हुए हम ग्लोबल विलेज मान रहे हैं, यानी कि सब कुछ एक गांव में उपस्थित है। और जिस तरह का अब मार्केटिंग स्ट्रक्चर है और जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई फूड है, हम भी वही फूड चाहने लगे हिंदुस्तान में भी, या चाइना में है तो उसी प्रकार का चाहने लगे, तो एक कारण तो ये हुआ कि मैन्युफैक्चर्ड आदमी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड जो है जो होमोजेनाइटी आ गई है, यानी कि एक रूपता लाने की बात आई, विविधता न ला करके अपने विकास के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने रहन सहन के आधार पर। अब मसलन अगर आप मछली देखिए तो मछली में यह है कि हमें यह मछली वहां की अच्छी उस देश की, तो हमें यहां वही चाहिए, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा अगर देखिए कई चीजें हैं, तो एक तो मानव के अपने रुचि के अनुसार उसको डिफाइन किया जा रहा है, बाकी को नेग्लेक्ट करके उसकी समाप्ति की ओर आ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम लोग एक बात करते हैं डायनासोर की, कभी कल्पना करते हैं, आज हम लोग इस स्थिति में आ गए, क्या शेर चीता अगले 50 साल में, 100 साल में, या हाथी, क्या ये भी ऐसा तो नहीं है कि एक लुप्त प्रजाति हो जाएंगे? बड़ी प्रजाति की बात कर लुप्त प्रजातियों अगर इसी प्रकार से आम का एक देखिए सीजन है इस समय, आप पूरे प्रदेश का दौरा करिएगा आम के इस सीजन में, आपको सिर्फ दशहरी या लंगड़ा के अलावा जो लोकल वैरायटी थी ना उसको कोई लगा रहा है ना बढ़ा रहा है, वो समाप्त होता चला जा रहा है। कितनी हमारे यहाँ आम की वैरायटी थी, और इसलिए नहीं कि वैरायटी के स्वाद के हिसाब से वो लोकल जो भी है, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि हमारा जो है केवल ऊपर का क्लाइमेट, लोकल कंडीशंस के हिसाब से भी, मान लीजिए कहीं पर लवण का मात्रा ज्यादा है, कहीं पर किसी प्रकार की, और उस प्रकार की प्रजातियां स्वतः अपने आप मैन्युफैक्चर होती रही है, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। यदि ये लुप्त होंगी तो जैसा अभी हमारे दो वैज्ञानिक मित्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानव विनाश का एक कारण बन सकता है। अल्पकाल में निश्चित तौर पर इसके लाभ या स्वाद कह लीजिए या देखने के हिसाब से कह लीजिए एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार जैसे देखिए वनों का पूरी तरह से विनाश होता चला जा रहा है, कई कई क्षेत्रों में आप देखिए उत्तर प्रदेश लगभग वन विहीन है, तो आप सोचिए यहां पर जिस प्रकार की जैव विविधता रही होगी हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है जी। बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं पर्यावरण असंतुलन की ओर हम जो है धीरे धीरे, और ये पर्यावरण असंतुलन में परिवर्तित हो रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में 2,40,000 किस्म के पौधे और 10,50,000 प्रजातियों के प्राणी पाए गए हैं जिनकी पहचान की गई है। इसके साथ ही पूरे विश्व में जीव जंतुओं की जो 47,677 विशेष प्रजातियों की प्रजातियां हैं उनमें से एक तिहाई यानी कि 15,890 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। ICUS की रेड लिस्ट में अगर ध्यान दे तो स्तनधारियों की 21%, 3 उभयचरों की 3% और 30% पक्षियों की प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक सूची है डॉक्टर समीर जो ये दर्शाती है कि जैसा आपने कहा कि कुछ प्राकृतिक कारणों से,
और जब आज जिसका डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा तेज आर्थिक विकास हो रहा है और इसके साथ ही जो हम एक रूपता लाने की बात कर रहे हैं कि जो चीज जहां है उसके अलावा भी हम भी वैसा कर लें, वो सारी चीज जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। एकदम सही बात है जी। ऐसा है कि देखिए ये प्रकृति की अपनी एक विनाश की लीला हमेशा से रही है जी, क्योंकि ये ग्रह एक भौतिक रूप के में देखा जाना चाहिए और इस पर परिस्थितियां जैसे हमारे भूगर्भ विज्ञान शास्त्री शायद ज्यादा इस बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं, इस पर परिस्थितियां लगातार बदली हैं और आगे भी बदलेंगी। ये जो बदलाव है ये बड़ा धीरे होता है और जो हमारी जैव विविधता है ये इसके साथ साथ अपने आप को ढालती जाती है। अब जैसे अग्रवाल साहब ने बताया ये जो पिछले जो 100 साल में जो विकास हुआ है इसकी दर ऐसी नहीं है जैसे कि प्राकृतिक होती है जी। और कोई भी जैव विविधता एक प्राकृतिक रूप से अपने आप को बदलती चले इसके लिए ये दर बहुत तेज है जी। इसलिए इसको जैसे हम कह सकें कि जो क्विक रेस्पॉन्स है मानव की गति के अनुकूल प्रकृति जो है आचरण नहीं कर पाई या ये कहिए कि मानव प्रकृति के अनुकूल आचरण नहीं कर पाया और इसमें आर्थिक जो लाभ की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। बाकी ये कि लोगों के पास पैसा है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम वही चीज चाहते हैं जो बाहर है, तो विविधता रही कहां। अब इसमें सबसे बड़ी जो हानि हो रही है जो अनुवांशिक एक पूल था हमारे पास उसका ह्रास हो रहा है जी। और हमें ये पता भी नहीं है कि हमने खो क्या दिया जी। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या जो मुझे इस समय समझ में आती है कि जैव विविधता का खोना एक समस्या है ये हम जानते ही नहीं है यही सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल, हम चर्चा अक्सर करते हैं डॉक्टर साहब की, पहले गिद्ध बड़ा दिखाई देते थे, कौवे बड़ा दिखाई देते थे और वो गौरैया पक्षी है, मतलब ये सारा जो हमारा सिस्टम था सबका अपना रोल हुआ करता था, उसको हम जानते थे कि गिद्ध का क्या काम है, कौवे क्या कर रहे हैं, उसके अलावा ये गौरैया क्या कर रही है। बावजूद उसके ये सब लुप्त प्रजातियों में हो गई, गिद्ध तो बिल्कुल समाप्त हो गए, कौवा एक का दुक्का दिखेंगे, गौरैया एक का दुक्का दिखेंगी, क्या है क्या। देखिए इसमें हम जैसा अभी डॉक्टर एम के अग्रवाल साहब ने बताया कि जो चीज हम वैश्विक विकास की दर जो बढ़ाए हुए हैं जिससे कि आप तमाम देशों ने आगे होड़ लगी हुई है कि हम कितना अपना विकास कर लें और कैसे कर लें, चाहूंगा कि प्रतिवर्ष 27,000 हो रहा और आगे आने वाले 2050 में एक चौथाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। अब इसको बहुत ये सीरियस मैटर है, ये बहुत ही हल्का नहीं, जैसे डॉक्टर समीर ने अभी बताया कि क्या कुछ खो रहा है हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, आज देखिए सारे इंडिकेटर होते थे छोटे छोटे, गौरैया की आपने चर्चा की, गौरैया चहकती थी तो उसका कुछ पहचान होता था कि हमारा एनवायरमेंट में कहीं न कहीं परिवर्तन में एक अच्छी चीज आ रही है, एक कहीं न कहीं मौसम बदल रहा है, कहीं न कहीं चीजों इंडिकेटर था, आज वो इंडिकेटर विलुप्त हो रहा, उसी के साथ साथ आप ये प्रजातियां नष्ट हो रही, आप इसका अगर उन प्रजातियों पर इसका असर हो रहा है तो मानव जीवन जो सब चीजों को नष्ट करने के लिए तत्पर है उस पर भी तो असर इसका हो रहा है। तो इनको हमें कहीं विकास की दर को जो चरण है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या चीज उसमें है, क्या चीजों की वजह से ये चरण हो रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा। पूरे विश्व में अगर ये तूफानों से, अभी देखिए दिल्ली और आसपास कितना हुआ, कितने तूफानों की प्रकृति बदली है, प्रकृति बदली हुई है, प्रकृति के कारण कितने लोगों को मतलब पता ही नहीं कि कैसे तुरंत ही खत्म हो जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, घटनाएं इतनी हो रही मानव जीवन की, और उसको हमें सोचना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। फिर वही घूम करके हम कहते हैं कि हमारी जितनी बढ़ोतरी हो रही है जनमानस की, 670 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, ये आगे का क्या इसका रूप है, उनके लिए सारी चीजें भरपाई चाहिए, खान पान चाहिए, उनको बढ़ाने के लिए चाहिए, उनका विकास की दर चाहिए। आज अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कहीं रहते हैं, हमारा टेस्ट
वो चाहे अमेरिका है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हमें इसको पहले सोचना, बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, कारण क्या? एक बड़ा ये जरूरी सवाल है कि आज हम जागरूक करने के लिए बात कर रहे हैं और तब कर रहे हैं कि जब आंकड़े बता रहे हैं कि विभिन्न प्रजातियों की लगभग एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अभी हमारे मन मस्तिष्क में जागरण की अवस्था है अपने वातावरण को लेकर, अपने पर्यावरण को लेकर के, और ये तब है जब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जीव, पादप, ये सब एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। ये सोच जो है कैसे डेवलप होगी कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जी, और इसको भारत जैसे देश में, खासतौर पर जहां पर कि जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, विकास की चुनौतियां उससे भी ज्यादा है और विकास की ललक और भी ज्यादा है, तो ये तीनों को अगर हम समावेशित करें तो एक उदाहरण के तौर पर देखिए, अब हमारे ग्रामीण अंचलों में तालाब खत्म हो गए जी, बिल्कुल ठीक, शहरों में तालाब खत्म, छोटा से देखिए, वो जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसमें जैव विविधता का कारण था वो खत्म हुआ जी। हमारे खान पान में छोटी छोटी बातें देखिए जो जनमानस को समझ में आएंगी, आप बाजार में जाइए, पहले अगर कद्दू देखिए तो जिस जिले में जाइए अलग प्रकार का, आप 50 जिले में हो जाए उत्तर प्रदेश के, एक तरह कद्दू एक तरह की तरोई जी, बिल्कुल, यानी कि विविधता खत्म, मतलब किसी भी प्रकार आप देखिए, रोजमर्रा की चीजें जो हम इस्तेमाल करें केवल उन्हीं के इर्द गिर्द देखें, मैंने जैसे आम का उदाहरण दिया, अमरूद का आप देखिए जो इधर के आते थे, बेर आप अगर देख के बताइए, एक छोटा सा फालसा जैसे हम लोग बचपन में यहाँ खूब बिकता था, आप देखिए छोटी छोटी चीजें किस प्रकार तेजी से, स्वाद में भी परिवर्तन आया है सबके, आया है, मतलब इस प्रकार से आप देखिए जामुन भी विलुप्त प्राय होने को आ रही, कोई नया पेड़ नहीं लगा रहा है क्योंकि उसमें आर्थिक लाभ नहीं है, उसकी जगह यदि आम का लगाता है, दशहरी आम का लगाता है तो फायदा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमको समझनी पड़ेंगी और हर चीज सरकार कर पाए, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े काम में केवल सरकार कुछ कर पाएगी, जन जागृति चाहिए लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा सा त्याग की भावना लोगों में होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि धान की अगर प्रजातियां थी तो 50,000 प्रकार की धान की प्रजातियां थी। एक मैं गेहूं का नाम लेता हूं K64, अगर आपने सुना हो बचपन में, आज उसका नाम बाजार में नहीं दिखाई पड़ता, आज वो गायब हो गया बहुत जल्दी, यानी कि 25 सालों में जो बहुत पॉपुलर गेहूं था, आम जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, जो मैं इन चीजों के नाम ले रहा हूँ क्योंकि लोगों से जुड़े हुए, बिल्कुल ये आम के स्वाद एक प्रकार के हैं, लेकिन जो देसी पेड़ होते थे उनमें कितने प्रकार के स्वाद थे हमें समझते हैं, अगर लिपिबद्ध करना हो तो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन डॉक्टर समीर, जिस तरह से पूरा पारिस्थितिकी हमारा चेंज हो रहा है, आपने बात भी की हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके अलावा जो हमारा एथनिक डायवर्सिटी है और उसके साथ इकोलॉजिकल डायवर्सिटी है, जो हमारा पूरा तंत्र है जिसको कहते हैं जातीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता, अनुवांशिक विविधता, ये सारा कुछ जो है प्रभावित हुआ है और सारा परिवर्तन की ओर, बिल्कुल परिवर्तन की ओर जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अग्रवाल साहब ने, कि एक होमोजिनसनेस, एक रूपता, और इसको बहुत अच्छा माना जा रहा है मेरे ख्याल से, जो विविधता में जो आनंद था और उसके जो निहित लाभ थे उनको एकदम नजरअंदाज कर दिया गया है, एक रूपता की ओर इतना अधिक ध्यान है। मैं केवल अगर अनुवांशिक जो विविधता होती है उससे अगर थोड़ा हट भी जाता हूं, आप देखिए एक तरह की चीज होने से जब परिस्थिति बदलती है, चाहे वो सामाजिक हो जी, चाहे वो जैविक हो, चाहे भूगर्भ से संबंधित हो जी, आप उसके लिए तैयार नहीं रहते, तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, जंगलों में एक पेड़ होता है अमेरिका के जंगलों में, उसको सिकोया कहते हैं, करीब 300 फुट तक उसकी ऊंचाई जाती है, दुनिया के सबसे लंबे पेड़ों में। एक पेड़ के ऊपर तीन इकोसिस्टम, तीन पर्यावरण तंत्र एक पेड़ पे रहते हैं। एक पेड़ पर रहने वाले जीवों की संख्या करीब 3,000 प्रजातियां हैं एक पेड़ पर। जब आप उस पेड़ को काट देते हैं तो आप वो तीन इकोसिस्टम खत्म कर देते हैं जी। तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत लकड़ी मिल गई, सड़कों के लिए रास्ता बन गया, मकान के लिए जगह बन गई, होटल खुल गया। तो समाज से तो सब चीजें जुड़ी ही है जी। जो लालच है और हमारा जो जो ये तीव्र विकास की जो इच्छा है, हमको ये नहीं मालूम कि ये विकास हमें किस दिशा की तरफ ले जा रहा है जी, और कितना हम नुकसान करते जा रहे हैं जी। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है जी।
लेकिन आप अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं आप, इसकी बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात फिर यहाँ पर जो है प्रासंगिक होगी, ये कहना कि हमारी संस्कृति जो थी उस संस्कृति में ऐसे तत्व मौजूद थे, उसमें ऐसे व्यवहार मौजूद थे जो प्रकृति से हमको आपस में जोड़े रखते थे। वहां पर पेड़ों के प्रति हमें क्या व्यवहार करना है, भले उनको देवी देवता के रूप में मान करके पूजा अर्चन किया जाता हो, जंतुओं के प्रति हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, काफी कुछ वो भी नष्ट हुआ है जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी डॉक्टर समीर जी ने बताया जी कि विकास की दर जिस रफ्तार से बढ़ी है जी, उसका एक मुख्य कारण जनमानस ही है और विभिन्न देशों की होड़ है आपस में। और जैसा आप ये मान रहे हैं कि अगर हम इन सब चीजों की होड़ में चीजों को हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज अच्छी थी, कौन सी वो नुकसानदायक है, हम इस चीज को अगर दिमाग से हटा लिए हैं तो हमारी चीजों को हम निश्चित रूप से हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब होगा। अभी बात तालाब की हो रही, हम तो अपने बचपन में अभी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इतने जंगलात थे, छोटे छोटे बगीचे थे और इतने उसके अंदर आप जाने में डर लगता था, वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस में था जी। हमने क्या किया, अपनी खेती बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ी और खेत हमें आवश्यकता बढ़ी, हमने उसको काट दिया। हमें तालाब, आप किसी भी गांव में जाइए कहीं तालाब है ही नहीं। चीजों को अगर बैलेंस करना है, अभी पूरा हम इस पर आएंगे कि हम देखिए अगर हमारे पास आर्कटिक दक्षिण और उत्तर ध्रुव है, वहां पर रोशनी नहीं जाती, हमारे ग्लेशियर पूरा चट्टान आर्कटिक से पूरे बर्फ से जमी हुई थी, एक तिहाई से ज्यादा वो पिघल गया। अगर वो पिघल गया तो वहां रहने वाले जीव जंतु पेंजियन वो कहां जाए, उनके वो विलुप्त हो गए, वो देखिए वहां से गायब होते जा रहे हैं जैसे जंगलों में। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको रोकेंगे। डॉक्टर एम के अग्रवाल एक चीज ये जानना चाहेंगे, जो आप बार बार इसको रेखांकित कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक प्रवृत्ति जो बढ़ी उसके कारण हमने जो है अपनी प्रकृति को काफी कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिस स्तर पर हमने कार्यक्रम शुरू किए, काम शुरू किए, डेवलपमेंट के काम शुरू किए, जिस तरह से तेज आगे ले चलने की चाहत रही, उसमें हमको कहीं ना कहीं ये संचेतना जरूर रही होगी कि हम पर्यावरण का क्या नुकसान कर रहे हैं, उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ हुआ है आज तक। और देखिए बहुत सी चीजों की भरपाई आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में आप भरपाई नहीं कर सकते, वो असंभव है कर पाना। मसलन आपने जंगल काटे, आपने जंगल उत्तराखंड के किसी जिले का काटा, या मान लीजिए यहाँ प्लेन का काटा, आप मान लीजिए सुल्तानपुर जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ के जंगल का स्वरूप उत्तराखंड के चमोली के जंगल से अलग, अलग होगा। खाली ये कहना कि जंगल काटा तो सोचिए यहाँ के जो वन जो भी होंगे बायोडायवर्सिटी वहां से भिन्न होगी, यहाँ का समाप्त हुआ जी। और बड़े लोकलाइज्ड होते हैं, बहुत सी चीजें आप देखिए लोकलाइज्ड होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, देखिए आयुर्वेद से किसी से बात करिए तो वो कहता है कि जहां पर जो बीमारी है उसका इलाज वहीं पर मौजूद है जी, बिल्कुल। यानी कि वो बायोडायवर्सिटी नेचर का है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन वहीं पर दिया है। बिल्कुल। तो हम प्रॉब्लम तो हमारी बची रह जा रही है, या यूं कहिए बढ़ जा रही है, सोल्यूशन का जो मार्ग है हम पहले से बंद कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें आप देखिए, आप चाहे दवा के रूप में देखिए, आप चाहे इस प्रकार से खान पान में देखिए, कीड़े मकोड़ों का रूप देखिए। आज के दिन आप देखिए घरों में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, फ्लिट की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जो पहले आप देखिए एक प्राकृतिक था। एक छोटा सा अभी एक उदाहरण देखिए, यदि आपके घर में चूहे हैं तो ये मानकर चलिए बिल्ली अपने आप आ जाती है, बिल्ली बार बार चक्कर लगाए तो मान लीजिए आपके घर में चूहे हैं भले आपको ना पता हो, यानी कि प्रकृति ने जो बैलेंसिंग कर रखा है, भले कि आर्थिक विकास डायरेक्ट ना नजर आए लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर हम कह सकते कि आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर रहा है। और उसी वजह से एक कॉस्ट देखिए जो हमारी हेल्थ पर कॉस्ट आ रही है वो बढ़ती जा रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका एक सीधा कारण ये है जी। बिल्कुल डॉक्टर समीर क्या कहेंगे आज के इस दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है, लोगों को उसे जगाना है, बताना है कि आप जिस विविधता भरे परिस्थिति में रह रहे हैं उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है। जगाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, अक्सर हम लोग बड़ी गहरी नींद सो रहे होते हैं, कोई बड़ा खराब सपना आता है और एकदम से चौंक करके उठ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। अगर
जो खतरा है कोई झूठ नहीं है, उस खतरे के प्रति लोगों को केवल जागरूक कर दें कि भैया ये खतरा कोई मामूली चीज नहीं है, ये जान ले लेगा इस मानव जाति की, मानव जाति की ही नहीं तमाम और जीव जंतुओं की बातों की, तो शायद इस डर के मारे लोग आप देखिए कि जो आदिवासी हैं उनका पर्यावरण कभी दूषित नहीं होता जी, क्योंकि वो उसी के साथ पनपे हैं, बड़े हुए हैं, वो उसकी पूरा ध्यान रखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मिनट में आप क्या कहेंगे? बस मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा जी कि हमारे भारतवर्ष में जी हम प्राचीन जी परिस्थितियों पर प्राचीन समय को अगर देख तो उसमें तमाम चीजें जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, जल को हम विष्णु भगवान इसलिए मानते थे कि वो शेषनाग पर लेटे हुए जी, वहां हम पूजा करते थे जल को, जो जो भी स्वरूप था वो इस तरह से हमारे संस्कारों में दिया गया को, तो उसका आज हमें अगर ये मानते थे तो उसका संरक्षण जरूरी है और इस संरक्षण को करने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और चाहे हवा है जीवनदायिनी उसको उसकी संरक्षण करना पड़ेगा, वो विषाक्त हो रही है तो ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पूरे अगर ब्रह्मांड में चीजें बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैव विविधता हमारे जीवन का, मानव जीवन का, प्राण जीवन का, जिनमें भी जीव हैं चाहे वो पादप हो चाहे वो पौधे हो या फिर वो जिनमें उभयचर प्राणी हो, प्राणी है आदमी है, सब पर जो है यह बात लागू होती है कि जो जैव विविधता है वो एक दूसरे को परस्पर समृद्ध करती है, प्रकृति में आगे लेकर के चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तेज आर्थिक विकास ने उस प्रकृति के संरक्षण को कम किया है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और जिसके कारण वो तमाम सारे तत्व जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते थे, जो हमारे जीवन को इस तरह से देते थे कि हम निरोगी होकर के पूरा जीवन जी सकते थे, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई है। जैव विविधता के तमाम प्रकरणों को लोगों को समझना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ स्वच्छ वातावरण देकर के जा पाएंगे। कल किसी और विषय पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।